फ्रेंड्स, वंस अगेन अ वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल ज्ञानी कीड़ा। फ्रेंड्स, रात हो रही है पर बच्चे आप सबका इतना प्यार है ना कि रात को इतना काम करने में करता हूँ क्या बताऊँ आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे देखो कि आज क्या है। आप देखो सर, आज जो है आप देखोगे अगर हेडिंग कक्षा फोर्थ का जो है चाहे हिंदी का एग्जाम था जो आज कंडक्ट कराया गया CBSE के द्वारा। बच्चे फोर्थ क्लास, आप बोलो सर फोर्थ क्लास के लिए क्या क्वेश्चन पेपर। बच्चे नहीं, मैं तो ये बोलूँगा कि आपको जो है पूरे क्लास का, इवन जो मेरे अगर कोई टीचर्स मेरे कोई फेलोशिप जो है अगर मैं वीडियो को फॉलो कर रहे हूँ, अच्छे तो क्या नॉर्मल सा बच्चे को पैटर्न नहीं, बच्चे या फिर जो टीचर्स हैं उनको एटलीस्ट एक पैटर्न पता हो, क्योंकि जो मैक्सिमम जो है जो ट्यूटर्स होते हैं वो बच्चे को मतलब टॉपिक से डिबेट करके अलग टॉपिक जो करवाते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि नॉर्मल जो टॉपिक, आप देखोगे पेपर इतना सिंपल है ना, बच्चे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो तो पूरा पेपर कट जाएगा। मतलब बच्चे इस पैटर्न मतलब इस पेपर के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पैटर्न होता है, अगर आप जो पैटर्न है वो CBSE चाहती है अगर उस पैटर्न से करोगे ना आपके फुल मार्क्स आएंगे। अब बच्चे को पैटर्न ही पता नहीं क्या आने वाला है, आप उसे पढ़ा रहे हो विलोम शब्द ये सब, जब से वो चीज़ आनी नहीं है तो क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे कैसे पैटर्न रहते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर जो है बाकी जो बच्चे फोर्थ में आएंगे तो उन्हें दिक्कत ना हो अगर इस पैटर्न ठीक है चाहिए। अगर क्या सिंपल जो देखते हैं, अब देखो नॉर्मल सा है ये 30 मार्क्स का टोटल था, टोटल जो 30 मार्क्स का है और क्लास फोर्थ का है और हिंदी का पेपर। ठीक है चाहिए, अब देखते हैं पहले का क्वेश्चन और समय 2 घंटे 2 आवर्स का था। पहला क्वेश्चन था कोई एक निबंध लिखो, कोई एक निबंध लिखो, दो निबंध थे, एक 15 अगस्त का और एक रक्षाबंधन का। बहुत सिंपल है, 15 अगस्त आपका रक्षाबंधन के, ठीक है, नॉर्मली अभी हाल ही में सेलिब्रेट किए गए हैं तो आप किसी के एक टॉपिक के ऊपर आराम से लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन सेकंड जो है ग्रामर का क्वेश्चन था, हिंदी ग्रामर का, सर्वनाम छाटो। अब देखो ये सिलेबस में दे रखा है, अगर आप edu.dl.nic.in जाओगे ना पर्टिकुलर सिलेबस से वहाँ पर दे रखा है सर्वनाम का टॉपिक। तो जो क्या है मैं स्कूल जाता हूँ, तो कह रहा है कि सर्वनाम छाटो। देखो क्या है मैं स्कूल जाता हूँ, जो ये मैं है ना, अच्छे क्या है ये मैं जो है संज्ञा की जगह आया तो ये क्या आपका सर्वनाम। सेकंड क्या है यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, तो चीज़ क्या है एक तो यह और एक अच्छे मेरी, ये दोनों बोलो क्या आपका सर्वनाम। तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, तो तुम बोलो क्या आपका सर्वनाम। हरी गेंद उसकी है, हरी गेंद उसकी है, उसकी बोलो क्या आपका सर्वनाम है। कोई आया है तो कोई बच्चे बोलो क्या है अनिश्चित सर्वनाम है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। वैसे पूछा नहीं गया कि भेद क्या है, लेकिन जो कोई आपका सर्वनाम है। कौन आया है सेम बच्चे बोलो कौन क्या आपका अनिश्चित वाचक सर्वनाम। उसने खाना खा लिया तो चाहे उसने बोलो क्या सर्वनाम। तुम कल आना तो चाहे क्या तुम क्या आपका सर्वनाम है। तो क्वेश्चन 5 मार्क्स का था और इसमें जो है आपको बताना था कि सर्वनाम क्या है उसको अंडरलाइन करना था। सेकंड अच्छे बोला गया है कि निम्न शब्दों की विलोम शब्द लिखिए। पहला था गुण, बच्चे गुण का जो विलोम होता है वो आपका अवगुण या फिर दोष, गुण का अवगुण या फिर दोष। आकाश, बच्चे आकाश का होता पाताल। आशा, निराशा, लाभ, हानि। राजा, राजा का बच्चे रानी, राजा का अब राजा का रानी भी बोल सकते हो या फिर बच्चे राजा जो है हाँ बच्चे विलोम शब्द है तो राजा का होगा रंग। ऊंचा का नीचा, जय का पराजय और दिन का क्या रात। ठीक है चाहिए, तो राजा का अगर आप सिनोनिम पूछता है प्राइवेसी पूछता है तो आप बोल सकते हो, पर लेकिन राजा का पूछा गया था क्या आप विलोम अगर बोलता लिंग परिवर्तन करिए तो रानी होता, बट लेकिन पूछा गया विलोम तो होगा रंग। अच्छा क्वेश्चन फोर्थ जो है पूछा गया था, क्वेश्चन फोर्थ इसके लिए समान शब्द लिखो, समान माने सेम मीनिंग के। बुद्धिमान, तो अच्छे बुद्धिमान का होशियार होता है, मूर्ख का बोल के बेवकूफ होता है, अभिमान का गौरव आपके जो गौरव हो गया, विश्वास का बोल के भरोसा, संसार का दुनिया और कोशिश का, कोशिश का आप बोलते हो कोशिश का बोलते हो अच्छा हाँ कोशिश का आपका जो क्या होगा प्रयास। ठीक है, अब नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखो वो वाक्य बनाओ। जो मुहावरे दे रखे हैं कुछ इनके अर्थ लिखने थे जो कि 2 मार्क्स क्वेश्चन था। अंधे की लाठी, अच्छा अंधे की लाठी बोले क्या होता है एक मास हारा, तो बोलते हो कि जो राजन अपने माता पिता का अंधे की लाठी है। खून का प्यासा, खून का प्यासा से होता है जानी दुश्मनी, जानी दुश्मनी। अमन जो है शाम का खून का प्यासा है। अगला अच्छा बहुत सिंपल है आंखों का त्यारा, बहुत रिपीट होता है आंखों त्यारा बहुत प्यारा, आप बोलते हो कि मोहन जो है अपने माता पिता का आंखों का त्यारा है बहुत प्यारा है। आंख लगना तो नींद आ जाना, अचानक मेरी आंख लग गई, ये सब वाक्य है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो अक्सर बच्चे की नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है तो कर पाएगा। जो क्वेश्चन 6 पूछा गया था तुम इन्हें क्या कहकर बुलाओगे, पापा के पापा, पापा के पापा, तो बोलो क्या होगा दादाजी। ये जो बुक के क्वेश्चन था पापा की माँ बोलो क्या होगा दादी, दादी माँ जो भी हो। पापा के बड़े भाई, पापा के बड़े चाचा हो गया। और माँ की बहन बोलो क्या, माँ की बहन क्या होता आपका मौसी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा नॉर्मल जितने क्वेश्चन लगभग लगभग बुक के अगर अंडरस्टैंडिंग से तो सारे कर पाओगे। अच्छा आगे बोला गया था कि इन्हें क्या कहेंगे, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, इन्हें क्या कहेंगे। आप देखो जिस मकान के 2 मंजिले हैं उसे बोलते हैं 2 मंजिला मकान, क्या बोलते हैं आपका तू दू मंजिला मकान। ठीक है अच्छे आगे बोलो क्या है जिस स्कूटर के 2 पहिए हो, जिस स्कूटर के 2 पहिए हैं तो बोलो जिस स्कूटर के 2 पहिए से बोलते हैं 2 पहिया स्कूटर। ठीक है 2 पहिया स्कूटर। आगे क्या है जिस झंडे में 3 रंग हो तो क्या तिरंगा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो जिसे बोलते हैं चौराहा, क्या बोलते हैं आपका चौराहा, जहाँ 4 रास्ते आपके मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था सिंपल क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन 2 मार्क्स का।
जी देखो आगे बोलो क्या पूछा क्या। देखो ये है ठीक है, जिस स्कूल का स्कूटर के दो पहिए हो तो आपका दो पहिया स्कूटर, आपका जिस झंडे में तीन रंग हो आपका तिरंगा, ये सब है। और जो प्रश्न में जो 8 है वो आपको क्वेश्चन आंसर है वो देखते हैं। अच्छा इसी को मैं रिटर्न फॉर्म में देता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है। जिसके स्कूटर के दो पहिए हैं तो क्या बोलोगे, दो पहिया स्कूटर, दो पहिया स्कूटर। ठीक है बच्चे, बच्चे इस पेपर के थ्रू पेपर बहुत आसान है, बस इतना बताना चाहता हूँ कि पैटर्न देखो क्या है। नॉर्मल सा पेपर है, अगर नॉर्मल सा भी देखोगे ना तो आप सारे क्वेश्चन कर जाओगे। जिस झंडे में तीन रंग हो तो बोलो क्या, तिरंगा। बोलो क्या, अच्छा आपका तिरंगा ठीक है, हमारा देश का झंडा भी तिरंगा ही है। जिस जगह पर चार राहें मिलती है तो बोलोगे चौराहा, चौराहा। बातें नॉर्मल सी, अगर सुनी भी होगी कहानी तो चेक कर लोगे ठीक है। और जो कोई प्रश्न जो है आपका 8 है वो क्या है, इसके प्रश्न उत्तर है। पहला क्वेश्चन था, मन के भोले भाले बादल कविता के कवि का नाम क्या है। उसे कवि का नाम बोलो क्या, कल्पनाथ सिंह, कल्पनाथ सिंह, कल्पनाथ सिंह। सेकंड अच्छे बोला गया था बोलो क्या आपका, कि आसमान में बादलों के अलावा क्या दिखते हैं। तो आसमान के बादलों के अलावा आपके तारे, वैसे तारे तो नहीं अच्छे से बोलोगे आप, गुब्बारे जैसे कभी वो ऐसे हो, मतलब उनका जो शेप है ना चेंज होते जा रहा था। बीरबल कौन था, जो बीरबल क्या है, अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक उनका मंत्री था। बीरबल के जो नवरत्न थे ना, सॉरी अकबर के जो नवरत्न थे, आपके जो अकबर थे उनके जो नवरत्न उनमें से कोई एक मंत्री थे नवरत्न में ठीक है। आगे अच्छे बोल के है, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही थी। दिनेश की माँ सिलाई की मशीन चला रही थी, सिलाई की माँ सिलाई की मशीन चला रही थी। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब को क्या पहनने को दिया, चाहे वो भड़कीली अचकन, भड़कीली अचकन पहनने को दिया, भड़कीली अचकन, भड़कीली अचकन ठीक है। अच्छे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अगर बच्चे ने बस रीडिंग भी करी हो तो सारे क्वेश्चन कर जाता। तो देखो यहाँ से आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखो कितना इजी पेपर आता है। इजी क्या बच्चे, देखो नॉर्मल सा बेसिक पेपर बनाया हुआ है, अब बच्चे पूरे सालों पढ़ते रहते हैं, कभी विलोम सब ये सब ये सब, तो नॉर्मल से अंडरस्टैंड रखा करो। बाकी जो मेरे व्यूअर्स सब देख रहे हैं तो ये शेयर करना, ताकि जो कोई बच्चा है उन्हें एक पैटर्न पता लगे। एक बच्चे पैटर्न बहुत, क्योंकि मैक्सिमम जो है CBSE कोई पैटर्न डिस्कस नहीं करती है, स्कूल में बच्चा टीचर को पता होता है, बच्चे डिस्कस नहीं करते हैं ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप लविंग ज्ञान की।